Adnan and you're watching Loom Bands by I'm Adnan. दोस्तों आज मैं आपको ऐसा मैजिकल ब्रेसलेट बनाना सिखाऊंगी जिसमें आप बनाएंगे तो एक लेकिन आपको साइड्स मिलेंगी दो. तो दोस्तों आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नॉर्वुड ब्रेसलेट जो है डबल साइडेड, फ्रंट साइड ये और बैक साइड ये. लेकिन आगे चलने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस और नई नई अपडेट्स आप टाइम पे देख सकें. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. नॉर्वुड ब्रेसलेट बनाने के लिए आपको 1 स्लिप चाहिए, 1 लूम बैंड स्टैंड चाहिए, 1 हुक चाहिए, 7 डिफरेंट कलर्स के लूम बैंड चाहिए, वाइट कलर्ड लूम बैंड चाहिए और ब्लैक कलर्ड लूम बैंड चाहिए. सबसे पहले हमने अपने स्टैंड के ये वाला पेग उतारना है. अब हमने इसका मिडल पीस भी उतारना है और हमने इसको इस शेप में रखना है. अब हमने अपना बॉर्डर कलर पकड़ना है जो है ब्लैक और हमने इसको यहाँ और इस पेग को छोड़कर यहाँ लगाना है और उसके बाद हमने अपने 2 रेड रबर बैंड पकड़ने हैं और हमने इसको 1 रबर बैंड को यहाँ और दूसरे को यहाँ लगाना है और हमारी एक W शेप बननी चाहिए. अब हमने अपने 2 वाइट रबर बैंड पकड़ने हैं और हमने 1 रबर बैंड को यहाँ क्लिप करके लगाना है और इस पैक पे भी 1 टाइम ट्विस्ट करके लगाना है. अब हमने अपना हुक पकड़ना है और हमने अपने इस रबर बैंड को हुक करना है और इस साइड से भी हमने अपने रेड रबर बैंड को हुक करना है. अब हमने अपने ब्लैक रबर बैंड को पकड़कर हुक करना है और इस साइड से भी हुक करना है और हमने इस रबर बैंड को वापस उसी के ऊपर लगाना है. अब हमने अपने 2 ब्लैक रबर बैंड फिर से पकड़ने हैं और हमने इनको स्ट्रेट लगाना है. अब हमने अपना हुक पकड़ना है और हमने इन वाइट रबर बैंड्स को उन्हीं के ऊपर हुक करना है और इस साइड से भी हमने उन्हीं के ऊपर हुक करना है. अब हमने अपने 2 ऑरेंज रबर बैंड पकड़ने हैं और हमने 1 को यहाँ और 2 को इस पेग से इस पेग तक यहाँ स्ट्रेट लगाना है. अब हमने अपने 2 वाइट रबर बैंड पकड़ने हैं और हमने 1 को यहाँ ट्विस्ट करके लगाना है और 2 को यहाँ ट्विस्ट करके लगाना है. अब हमने अपना हुक पकड़ना है और हमने इसके अंदर इन वाइट रबर बैंड के अंदर जाकर ऑरेंज रबर बैंड को स्ट्रेट हुक करना है इसी के ऊपर और इस साइड से भी हमने ऑरेंज रबर बैंड को उन्हीं के ऊपर हुक करना है. अब हमने फिर इन्हीं वाइट रबर बैंड्स के अंदर जाकर ब्लैक रबर बैंड्स को हुक करना है और इस साइड से भी हमने ब्लैक रबर बैंड्स को हुक करना है. अब हमने इसको टर्न करना है और हमारे हर पेग पे 2 रबर बैंड्स के सेक्शंस होंगे. हमने फर्स्ट पेग के नीचे वाले 2 रबर बैंड्स को उन्हीं के ऊपर हुक करना है. इस साइड पे हमने इन सारे के सारे रेड रबर बैंड्स को उन्हीं के ऊपर हुक करना है और इस साइड पे हमने अपने 2 ब्लैक रबर बैंड्स को भी हुक करना है.
सबसे पहले हमने अपना वन ब्लैक रबर बैंड पकड़ना है और इसको भी हमने यहाँ स्ट्रेट लगाना है और एक और ब्लैक रबर बैंड पकड़ना है और इसको भी यहाँ स्ट्रेट लगाना है। उसके बाद हमने अपना हुक पकड़ना है और हमने इन नीचे वाले वाइट रबर बैंड्स को हुक करना है और इस साइड से भी हमने वाइट रबर बैंड्स को हुक करना है। अब हमने अपने टू येलो रबर बैंड्स पकड़ने हैं और हमने इनको इस पैग से इस पैग तक फर्स्ट इसको लगाना है और सेकंड इसको लगाना है। अब हमने अपने टू वाइट रबर बैंड्स पकड़ने हैं और वन को यहाँ ट्विस्ट करके लगाना है और सेकंड को इस पैग पर ट्विस्ट करके लगाना है। अब हमने इस इन वाइट रबर बैंड के अंदर जाकर वन येलो रबर बैंड पकड़ कर इसको हुक करना है और इस साइड से भी हमने येलो रबर बैंड पकड़ने हैं और इनको हुक करना है और फिर इसी इन्हीं वाइट रबर बैंड के अंदर जाकर ब्लैक रबर बैंड को भी हुक करना है। अब हमने इसको टर्न करना है और हमने टू ब्लैक रबर बैंड को हुक करना है और हमने इस साइड से इन सारे के सारे ऑरेंज रबर बैंड्स को हुक करना है और इस साइड से टू नीचे वाले ब्लैक रबर बैंड्स को हुक करना है। अब हमने इसी सारे पैटर्न को फॉलो करना है। हमने टू ब्लैक रबर बैंड्स पकड़ने हैं, ये इन टू पेग्स पे लगाने हैं, फिर वाइट रबर बैंड को हुक करना है और यहाँ बीच में किसी भी कलर के रबर बैंड को लगाना है और हमने यहाँ वाइट रबर बैंड को ट्विस्ट करके लगाना है और हुकिंग स्टार्ट करनी है। जब तक आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे आपका ब्रेसलेट ग्रो होता जाएगा। फ्रेंड्स, हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते करते अपना ब्रेसलेट इतना बना लिया है और हम इसके लास्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। हमने अपने टू ब्लैक रबर बैंड्स पकड़ने हैं और वन को यहाँ और वन को यहाँ लगाना है और वाइट वाले रबर बैंड्स को हुक करना है। अब हमने टू ऑरेंज रबर बैंड्स पकड़ने हैं और इनको स्ट्रेट लगाना है। उसके बाद हमने टू वाइट रबर बैंड्स पकड़ने हैं, वन को यहाँ ट्विस्ट करके लगाना है और वन को यहाँ। फिर हमने इन रबर बैंड्स को हुक करना है। और ब्लैक रबर बैंड्स को भी हमने हुक करना है। अब हमने अपने टू ब्लैक रबर बैंड पकड़ने हैं और हमने टू को यहाँ और
ट्री को यहाँ स्ट्रेट लगाना है और हमने उसके बाद नीचे वाले इन वाइट रबर बैंड्स को और इन ब्लैक रबर बैंड्स को हुक करना है और यहाँ से भी हमने इन सारे रबर बैंड्स को हुक करना है। अब हमने इन सारी एंड्स को अपने हुक के ऊपर चढ़ाना है। हमने अपना वन ब्लैक रबर बैंड पकड़ना है और इन सारे रबर बैंड्स को हुक करना है और हमने और ब्लैक रबर बैंड्स पकड़कर इनको स्लाइड करना है। उसके बाद हमने अपना एस क्लिप पकड़ना है और इसको इस रबर बैंड के एंड के ऊपर लगाना है और इस साइड पे हमने अपने रेड रबर बैंड के अंदर हुक को डालकर वन रबर बैंड स्लाइड करना है और उसके बाद एक और रबर बैंड को भी स्लाइड करना है। अब हमने इस एस क्लिप की दूसरी एंड को इस रबर बैंड के ऊपर लगाना है। ये हमारा ब्रेसलेट रेडी हो गया। ये रही इसकी फ्रंट साइड और ये बैक साइड। अब हम इसको पहन सकते हैं। इस तरह भी ये है हमारा नॉर्वुड ब्रेसलेट। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डिजाइन? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। देखते रहिए लूम बैंड्स पर अहमद नान।